दोस्तों, अगर किसी से मनचाहा कार्य करवाना है, किसी को अपने प्यार में पागल बनाना है, किसी इंसान को अट्रैक्ट करना है, तो आज मैं ऐसी अट्रैक्शन मंत्र लेकर आया हूँ जिससे आप दोस्तों मनचाहा कार्य उनसे करवा सकते हैं। यह दोस्तों महाशक्तिशाली मोहिनी मंत्र। मोहिनी एकादशी के दिन आप इस कार्य को कर सकते हैं और बहुत ही खास प्रचंड वशीकरण होगा, आप खुद देखेंगे। जी हाँ, एकादशी आ रही है और इस दिन अगर आप इस उपाय को करेंगे तो देखिए कैसे महामोहिनी इस मंत्र का जादू आप किसी भी इंसान के ऊपर चला सकते हैं। इसका जाप कोई भी कर सकता है, कोई भी हस्बैंड वाइफ, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, किसी शत्रु को काबू करने के लिए, मनचाहा प्यार पाने के लिए, किसी लड़की को वश में करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों मोहिनी एकादशी के दिन खास दिन है। मोहिनी एकादशी होगी वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में अतिथि पड़ती है। जो भी लोग अपने प्रेम संबंधों को सुधारना चाहते हैं, अपने प्रेमी प्रेमिका को वापस पाना चाहते हैं, तो उसे इस दिन के द्वारा सुधार सकते हैं और अपने जीवन को वापस प्रेम से भर सकते हैं। मोहिनी एकादशी बहुत ही खास दिन होता है। दोस्तों इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में अवतार ग्रहण किया था और मोहिनी अवतार भगवान के विशेष अवतार हैं क्योंकि स्त्री अवतार हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तो एक और देवता है, दूसरी ओर दानव थे। तो दोस्तों इसके जाप से बहुत व्यक्ति सफल हुए, बहुत व्यक्तियों ने इसके जाप से अपने जीवन में सफलता पाई। तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरी प्रक्रिया आपको बताई जाएगी, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो आपने करना क्या होता है कि इस मोहिनी मंत्र का जाप रोजाना करना पड़ेगा मोहिनी एकादशी के दिन से। तो सुबह स्नान आदि करके एक वैजयंती की माला ले लें, भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की एक तस्वीर अपने सामने रखें, उनको देखते हुए जो भी आपका प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी उनका जिसको आप वश में करना चाहते हैं उनका नाम का उच्चारण आपने करना है और ओम मोहिनी महामोहिनी अमृतवासिनी मोहिनी नाम बोलना है, मोहन मोहे स्वाहा इस मंत्र का आपने जाप करना है। मंत्र का अपने 108 बार वैजयंती की माला से जाप करना है। नियमित पूरे 8 दिन तक इसका जाप कीजिए और इसका असली स्वरूप देखिए कि कैसे आप इस अट्रैक्शन मंत्र से, इस महामोहिनी मंत्र से किसी भी इंसान को वश में कर पाएंगे और वो आपके इशारों पर चलने के लिए मजबूर हो जाता है। तो बहुत खास उपाय था ये जो मैंने आपको बताया, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा आपको। इस तरह के उपाय आगे भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नए उपायों, नए तरीकों, नए टोटकों के साथ आपको बहुत जल्द मिलेंगे। हमारी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।